हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे द किंगडम्स ऑफ़ लाइफ इससे पहले हमने पिछली क्लास में स्टडी किए थे फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सोनॉमी जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी इट इज़ दी साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमन क्लेचर कैसे हम ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं तो आज हम स्टडी करेंगे द किंगडम्स ऑफ लाइफ हमने यह देखा था कि टाइनीस्ट बैक्टीरियम सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है और दी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म विच इज़ दी ब्लू वेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको हम उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लक्षण के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं तो ये क्लासीफिकेशन की ज़रूरत लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को क्यों होती है सो दैट वी कैन द स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गैनिजम्स इज़ नॉट सफिशेंट टू नो द असेंशियल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप किसी भी ग्रुप के बारे में जो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एक या दो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करके नहीं जान सकते सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एक ही लोकेलिटी में प्रेजेंट नहीं होते और क्लासीफिकेशन जो वो हमें यह भी जानने में मदद करती है कि, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या है और उसका एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का वो क्या है सबसे पहला अटेम्प्ट जो है द फर्स्ट पर्सन जिसने कि एक साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन का दिया था जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा था वो था एरिस्टोटल ठीक है तो, तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से दो ग्रुप्स में ऑर्गेनिज़म्स को डाला था एक प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स जो मूव करते हैं वो एनिमल्स जो स्टेशनरी थे वो प्लांट्स प्लांट्स जैसे कि ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स एनिमल्स जो हैं उनको उसने फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया इनायमा जिनमें आर हैं और अनिमा जिनमें आर नहीं थे लेकिन इसके बाद भी एक बायोलॉजिकल क्लास एक सिस्टम प्रॉपर सिस्टम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होना चाहिए इसकी ज़रूरत हमेशा से महसूस की गई थी सबसे पहले तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप हुए और सबसे पहला किंगडम जो स्टडी किया गया वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यह टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो लीनियस ने दिया था और लीलियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में बांटा था कौन कौन से किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। उसने थ्री कैरेक्टर्स जो थे वो लिए थे उनको इस टू किंगडम सिस्टम में डिवाइड करने के लिए क्लोरोफिल सेल्यूलोज वॉल एंड मोटिलिटी वह ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल और सेलुलर्स वॉल प्रेजेंट थी वो इंक्लूड हुए किंगडम प्लांटेई में और इसमें एलगी फंजाय बैक्टीरिया तीनों इंक्लूडेड थे सेकेंड किंगडम जो उसने बनाया वो था किंगडम एनिमेलिया जिसमें प्रोटोजोआ भी इंक्लूडेड थे इसमें वो ऑर्गेनिज़म्स आते थे सारे जिनमें मोटिलिटी थी जो मूव कर सकते थे फिर माइक्रोस्कोप आया और माइक्रोस्कोप के आने से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको ल्यूविन हॉक ने डिस्कवर किया अब इसके बाद जो टू किंगडम सिस्टम था उसमें कई सारी लिमिटेशंस कई सारी कमियां नज़र आने लगीं जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों ही किंगडम प्लांटेई में हैं लेकिन इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनिज जो हैं वो भी इनमें एबसेंट होते हैं दैट मीन्स दे आर प्रो लेकिन इनको किंगडम प्लांट में इंक्लूड किया गया था जो कि यूकैरियोटिक होता है प्रोटोजोआ जो थे वो एनिमल किंगडम में इंक्लूडेड थे टू किंगडम सिस्टम में एल्गी जो है वो भी प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड थी तो प्रोटोजोआ और एल्गी जो है दिट इज़ यू कैरियोटिक लेकिन इसमें बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं उनके कैरेक्टर्स होते हैं फंजाई जो है वो प्लांट की तरह दिखता है लेकिन वो जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है सो so, ये लिमिटेशंस जो थी वो टू किंगडम सिस्टम में दिखी फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1866 में so, उसने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को तीन किंगडम में और एक नया किंगडम ऐड किया प्रोटेस्टा जिसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हुए जिनमें टिश्यू डिफ्रेंसीेशन नहीं होता है सो नाउ वी हैव थ्री किंगडम्स प्रोटिस्टा प्लान्टई एंड एनीमिलिया प्रोटिस्टा जिसमें कि टिश्यू डिफ्रेंसीशन नहीं होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ एल्गी फंजाई प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया लेकिन इस किंगडम में भी कई सारी कमियां नज़र आई देवर लिमिटेशंस टू दिस थ्री किंगडम सिस्टम जैसे कि प्रो और यू जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंट किंगडम में सेपरेट नहीं थे तो बोथ यूनील्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स व क्लासीफाइड अंडर प्रोटेस्टा हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया भी है विच इज़ इस यूनिसेल्युलर इसमें प्रोटोजोआ -तो भी है विच इज़ यूनिसेल्यूलर बट इट इज़ यू कैरियोटिक ठीक है तो एंड फनजाई विच इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो यह इसकी लिमिटेशंस थी इन लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए फिर कोपलैंड में इंट्रोड्यूस किया द फोर किंगडम सिस्टम इन 1956 और अब कौन सा किंगडम ऐड हुआ अ किंगडम मोनेरा वॉज एडेड तो प्रोटेस्टा प्लांटई एनिमेलिया पहले से थे एंड अ फोर्थ ग्रुप वॉज एडेड विच इज़ मोनेरा द फोर्थ किंगडम इज मोनेरा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज़ जब हुई थी तो यह क्लियर हो गया था कि बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनका न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज़म्स सो दीज आर दी प्रे प्रो कैरियोर्स बैक्टीरिया जो हैं वो प्रो हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस तो इसके रिजल्ट से फन बट जो है दे वर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा बट फंजाई जो है वो अभी तक जो है वो किंगडम प्लान्ट में ही इंक्लूडेड थी सो दिस वॉज अगेन अ लिमिटेशन टू दी फोर किंगडम सिस्टम देन केम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1969 हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन आर एच विटेकर ने इस फाइव किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया और उसने एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया विच वॉज नोन एज दी फंजाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वाइटेकर ने तीन क्राइटेरिया लिए थे फाइव किंगडम्स ऑफ लाइफ को डिफाइन करने के लिए वो तीन पॉइंट्स कौन कौन से हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर जो सेल है वो कितना कॉम्प्लेक्स है वेदर इट इज़ अ प्रो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय इट इज़ सॉरी इट इज प्रोकैरियोटिक और इट इज़ यूकैरियोटिक जिसमें कि डेफिनेट न्यूक्लियस है या डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स बॉडी वेदर इट इज़ यूनिसेल्युलर एंड सिंपल एक कोशिकीय है और सिंपल है या फिर वो बहुकोशिकीय है और कॉम्प्लेक्स है एंड देन द मोड ऑफ ऑपरेनिंग न्यूट्रियस कि वो न्यूट्रिशन कैसे ऑप्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस है मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं या एब्जॉर्बशन के थ्रू लेते हैं या फिर वो खाने को इंजेस्ट करते हैं ठीक है ठीके? और एक फोर्थ क्राइटेरिया बाद में उसने और जोड़ा था विच इज़ दी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन दी ऑर्गेनिज़म्स तो इन बेसिस पर फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो वाइट टेकर ने फॉर्म किया और ये फाइव किंगडम सिस्टम कौन कौन से थे मोनेरा प्रोटेस्टा

किंगडम फनजाई विच इज़ द किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डी कम्पोजर्स तो ये इनकी जो है इकोलॉजिकल रोल है देयादि डी कम्पोजर्स एंड किंगडम एनीमेलिया विच इज़ द किंगडम ऑफ मल्टी सेलूलर कंज्यूमर्स देयादि हेट्रोट्रॉफ्स तो किंगडम प्लान्टई किंगडम फनजाई एंड एनीमेलिया इज द मल्टी सेल्यूलर ग्रुप्स प्रोटिस्टा इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स एंड मोनोरा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। तो ये फाइव किंगडम सिस्टम जो है ये वाइट ने प्रपोज किया था ना वाइट टेकर्स दिस इज चार्ट फॉर्म में हम देख रहे हैं वाइट टेकर्स का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें उसने पांचों किंगडम के नाम दिए हैं और क्या बेसिस है जिस बेसिस पर उसने इनको डिवाइड किया है ना व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ द फाइव किंगडम सिस्टम कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं वाइट टेकर के फाइव किंगडम सिस्टम को प्रो कैरियोर्स थे वो जो थे वो एक सेपरेट ग्रुप में आ गए किंगडम मोनेरा ठीक है दैट मीन्स दे वर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स तो प्रो कैरियर जो हैं वो अब बाकी सारे ऑर्गेनिज़म्स से अपनी मोरफोलॉजी और फिजिलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से डिफरेंट हैं तो उनको एक अलग किंगडम में डालना उचित था इसी तरह से सम यूनिसेलुलर यू जैसे कि यूगलिना जो कि पहले प्लांट और एनिमल में हम दोनों में स्टडी करते थे अब उनको एक यूनिसेल्युलर यू जो हैं उनको एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में डाला जिससे कि यह जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया कि हमको उसको प्लांट में स्टडी करना है या एनिमल में तो उनको एक सेपरेट प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल दिया जिसमें कि सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड थे फंजाई ग्रुप जो फंजाई जो था उसको एक रैंक पे एलिवेट कर दिया एक सेपरेट किंगडम उसके लिए बना दिया किंगडम फंजाई विच इज़ करेक्ट क्योंकि फंजाई जो है वो भी मोर्फोलॉजिकली और फिजोलॉजिकली प्लांट से अलग है अब फंजाई और प्रोटेस्टा और मोनरन्स जब प्लांट और एनिमल किंगडम से अलग हो गए तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है वो ज़्यादा होमोजिनस ग्रुप्स हो गए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा था वाइट टेकर ने उनकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन और उनके मोड ऑफ ऑप्टेनिंग न्यूट्रिशन क्राइटेरिया जो है उसको रखा था ये फाइव किंगडम सिस्टम को बनाने में तो इसमें ये कैरेक्टर्स जो हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जो हैं ये कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड में ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं सो दिस इंडिकेट्स द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो ये सारी कैरेक्टर्स जो हैं ये जस्टिफाई करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम को लेकिन इसके बाद भी फाइव किंगडम सिस्टम में अभी भी कुछ लिमिटेशन या कुछ ड्रॉबैक्स जो थे वो मौजूद थे क्या थे जैसे किंगडम मोनेरा एंड प्रोटेस्टा जो है वो अभी भी हिट्रोजेनियस थे बहुत होमोजेनस ग्रुप नहीं बने थे क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक हिटरोट्रॉफिक फॉर्म्स यानी कि वो फॉर्म्स जो कि ऑटोट्रॉप्स थे और जो हिटरोट्रॉप्स थे दोनों इंक्लूडेड थे वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी वो एक साथ प्रेजेंट थे सिमिलरली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स का बहुत अच्छे से उसमें डिफाइन नहीं किया गया था फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन एलगी और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम सोर्सेज अदर देन वाटर पर उनको उन्होंने डिफरेंट किंगडम में असाइन नहीं किया था फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कार्ल कार्लवोस ने प्रपोज़ किया नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टीन ठीक है नाइनटीन नाइन्टी में सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज हुआ और ये किंग इसको जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ दी थ्री डोमेन सिस्टम और ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता है थ्री डोमेन्स में विचार दी आरकाई बैक्टीरिया एंड यूकेरिया तो मेजरली यूज बेसिक प्रिंसिपल्स जो फाइव किंगडम सिस्टम के थे उसमें से सिर्फ उन्होंने मोनेरा को फर्दर टू में डिवाइड किया आरकाई एंड बैक्टीरिया बाकी के जो थे वो एज इट इज़ थे सिर्फ मोनेरा को फर्दर डिवीजन हुआ उनका आरकाई एंड बैक्टीरिया में दस बैक्टीरिया जो थे वो दो डोमेन्स में आ गए और बाकी जो यू थे सारे के सारे वो वन में इंक्लूडेड रहे सो so, ये जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का दिस वाज बेस्ड ऑन दी सीक्वेंस ऑफ सिक्सटीन एस आर एन ए जीन्स ये जो है ये ट्री ऑफ लाइफ है फेलो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है आपस में तीनों डोमेन्स का डिफरेंट अप्रोचेज़ जो हैं क्लासीफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसको हम इसमें और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे टू किंगडम सिस्टम जो लीनियस ने दिया था उसमें क्या था प्लांटे एंड एनिमेलिया फिर फाइव किंगडम सिस्टम जो वेट ने दिया था उसमें क्या था मोनरन्स प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटेई एंड एनिमेलिया। देन केम दी सिक्स किंगडम सिस्टम जो वो उसने दिया जिसमें यू बैक्टीरिया मोनेरा जो था दिस वॉज डिवाइडेड इंटू यू बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया प्रोटिस्टा फंजाई प्लान्टई और एनिमेलिया जो हैं वो एज इट इज थे ठीक है तो इसी को हम थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया तो ये जो हैं ये दो डोमेन्स हो गए और बाकी के सारे प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटे एंड एन एनिमेलिया चारों किंगडम जो हैं, वो कौन से डोमेन में आए डोमेन यू कैरिया okay? so में सो नाउ वी हैव द सिक्स कॉमनली एक्सेप्टेड किंगडम्स विच आर दीज आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स हैं यू बैक्टीरिया विच इंक्लूड्स द बैक्टीरिया माइकोप्लाजम एक्टिनोमाइसिटीज प्रोटेस्टा ठीक है विच इज़ द यूनिसेल्यूलर यूकैरियोड्स फंजाई विच इज द मल्टी सेल्यूलर डीकम्पोजर्स प्लांटे विच आर द मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूस एंड एनिमेलिया विच इज़ द मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर सो दीज आर दी की फीचर्स ऑफ सिस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑफ क्लासीफाइंग सिस्टम इसको हम एक बार फिर से ब्रीफली जिस जो है उसकी समरी हम देख सकते हैं सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम जो लीनियस ने 1758 में प्रपोज किया था एंड ही गेव द ब्रॉड किंगडम्स इन टू किंगडम्स प्लांटे एंड एनिमेलिया ऑन दी बेसिस ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोस वॉल एंड मोबिलिटी तो दिस दे क्लासीफाई द सिम टू टू किंगडम्स थ्री किंगडम सिस्टम जब हुआ था अर्नेस्ट एंड हैकिल ने दिया था 1866 में इन विच दे एडेड प्रोटेस्टा ठीक है वो प्रोटेस्टा कौन से थे विच डू डिड नॉट हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ सॉरी टिश्यू डिफ्रेंसीशन फिर कॉपिलैन ने 1956 में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी के थ्रू प्रोकैरियोट्स देखा कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अलग होता है बाकियों से तो किंगडम मोनेरा वॉज एडेड एंड देन प्रोटिस्टा प्लांटे एंड एनिमल जो है वो एज इट इज रहे 1969 में वाइट टेकर गेव दी फाइव किंगडम सिस्टम ठीक है जिसमें उन्होंने ग्रुप कौन सा ऐड किया फंजाय फंजाय ग्रुप वॉज ऐडेड बाकी क्लासिफिकेशन एज इट इज़ था and then in 1919 came the six kingdom system which was proposed by karl Woese to से तो उसमें क्या इंक्लूड हुआ jo the जो थे वो भी सिक्स किंगडम्स जो थे वो थ्री थ्री में डिवाइड हो गए आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एंड जो थर्ड डोमेन था यू कैरिया उसमें सारे प्रोटिस्टा फंजय प्लांट एंड एनीमेलिया जो थे वो इंक्लूड हो गए सो दिस इज दिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ब्रीफ में हम इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं यू बैक्टीरिया आरकाई बैक्टीरिया प्रोटेस्टा प्लांटे एनिमेलिया एंड फनजा दिज आर ऑल इंक्लूडेड इन वन डोमेन यू कैरिया दिस इज़ द डोमेन आरकाई बैक्टीरिया एंड दिस इज द डोमेन बैक्टीरिया सो आज हमने स्टडी किया दिक्स किंगडम सिस्टम नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. थैंक यू सो मच